हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे जिसमें मल्टीप्लायर हमारा 3 डिजिट्स का है। आज हम 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम इस मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। एक एग्जांपल में हमारा मल्टीप्लिकेंड 4 डिजिट का है जो कि ऊपर लिखा है, और मल्टीप्लायर 3 डिजिट का है जो कि नीचे लिखा है। इस मल्टीप्लिकेशन को करते हुए हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है यानी 364, इसको हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। तो 364 को हम 300 प्लस 60 प्लस 4 की तरह भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हम अपने मल्टीप्लिकेंट को यानी 4728 को हम 364 से अलग अलग एज अ सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा एक सिंपल 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बन गया है जो कि हम आसानी से कर लेंगे। ये जो 3 मल्टीप्लिकेशंस हैं, जब अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आंसर्स मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम अपना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे 3 आंसर निकलेंगे उसमें हम ज़ीरोज लगाएंगे। कितने ज़ीरोज लगाएंगे ये उस डिजिट की प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यहाँ 364 में 3 की प्लेस वैल्यू 100 की है, तो जो मल्टीप्लिकेशन हमारा 3 से हुआ है उसके आंसर में हम 00 लगा देंगे। 6 की प्लेस वैल्यू 10s की है, तो जो हमारा 6 वाला मल्टीप्लिकेशन है उसके आंसर में हम सिंगल 0 लगा देंगे। और 4 यहाँ हमारा 1s की प्लेस पे है और इसमें कोई 0 नहीं है, इसलिए इसके आंसर में हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। अब स्टेप 4 में हम इन 3 आंसर्स को ऐड कर देंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन के सम का। तो इन 3 आंसर्स को हम प्रॉपरली कॉपी डाउन करके जब उनका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 172092, और यही हमारा फाइनल सही आंसर है। अगर इस 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हम दूसरे तरीके से करते हैं जिसमें 3 डिजिट्स एक साथ लिखकर एक ही सम में पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इस तरह होगा और हमारा वही आंसर आ जाएगा 172092। आशा करती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ये आसान तरीका आपको समझ में आया होगा। मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।